हैप्पी जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है, नमस्ते अम्मा जी। अरे शनिचरी, कहाँ हो आई? बस यही आंगनबाड़ी गई थी, आते बखत एक खजूरी मिल गई, तो इसे लेके तुम्हारे पास चली आई। जीती रहे, जीती रहे। शनिचरी, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। गांव में हर तरफ तेरे चर्चे हो रहे हैं, जिधर भी जाती हूँ लोग तेरी तारीफ करते हैं। कल नर्स बहन जी भी मिली थी, बड़ी तारीफ कर रही थी। कह रही थी कैसे तू मेहनत से लोगों के घर जा जाकर पोलियो के बारे में समझा रही है। अरे क्या अम्मा जी, पूरी दुनिया को पढ़ाए पर अपने घर काला अक्षर भैंस बराबर। क्यों, क्या हुआ शनिचरी? शनिचरी मुझसे गुस्सा है अम्मा जी। अरे गुस्से वाला काम करेगी तो गुस्सा भी ना होगी का? अम्मा जी तुम ही बताओ कि पोलियो रविवार के दिन अपने बच्चे को पोलियो की खुराक पिलानी जरूरी है कि नहीं? हाँ हाँ, बहुत जरूरी है। सुन लिया अम्मा जी, मैं कब से इसे यही बात समझा रही हूँ, पर ये है कि पत्थर की सील बनी हुई बैठी है, जिस पर दो बूंद पानी पड़े ना पड़े कोई असर नहीं होता है। अपने बच्चों को दो बूंद खुराक पिलाने को राजी ही नहीं हो रही। अब अम्मा जी, मेरे बच्चे पिछले गाँव में जब यही रविवार हुआ था तो खुराक पी चुके हैं, अब बार बार मैं क्यों पिलाऊं उनको? नहीं खजूरी, 5 साल की उम्र तक जितनी बार मिले बच्चों को ये 2 बूंद जिंदगी की पिलानी ही चाहिए। इससे बच्चों में बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है और वो जीवन भर के लिए पोलियो से सुरक्षित हो जाते हैं। अब हम भी तो इसे यही बात कह रही थी, बहन जी हम सबको बार बार यही बात तो समझाती है। अम्मा जी, मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, एक का पेट चल गया है, दूसरे को हल्का बुखार है। अब ऐसे में पोलियो की खुराक पिलाकर और बीमार करूं क्या अपने बच्चों को? ये शनिचरी तो समझती नहीं है। देख खजूरी, माननी तो अपनी मन की ही चाहिए। चल मैं तुझे एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार हमारी आशा बहन जी गांव की कुछ औरतों से हैंडपंप पर मिली। सारे टीके तो लग गए बहन जी, अब ये पोलियो रविवार, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, 5 साल तक हर पोलियो रविवार में बच्चों को पोलियो की बूंद देना जरूरी है, क्योंकि हर खुराक बच्चों की पोलियो से लड़ने की शक्ति बढ़ाती है। पर इसकी तो अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसे जुखाम है। तो क्या हुआ, एक खुराक ऐसे में, यानी कि अगर इसे जुखाम या सर्दी भी हो तो भी दे सकते हैं, ओपीवी कहते हैं उसको। ओपीवी सुना है, बच्चे इससे नपुंसक हो जाते हैं। ये सब गलत बातें हैं, ये सारी दवाइयाँ पूरी जांच के बाद ही दी जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पोलियो की ये खुराक बच्चों को बीमारियों से बचाती है और ये मुफ्त में दी जाती है। क्यों खजूरी, अब तेरे सारे सवालों के जवाब मिले? हाँ, बात तो समझ में आई अम्मा जी। यानी पोलियो की बीमारी को हम जड़ से तभी मिटा सकते हैं जब 5 साल तक के उम्र के बच्चों को हम बार बार इसकी खुराक दें। अच्छा, पर ये खुराक कब दी जाती है अम्मा जी? बहुत से दिन हैं जिनकी जानकारी रेडियो और टीवी पर समय समय पर दी जाती है, और गांव की बहन जी तो घर घर जाकर भी बताती हैं, जैसे पोलियो रविवार हो गया, और जब जब ये दिन आए 5 साल तक की उम्र के हर बच्चे को ये खुराक पिलानी चाहिए। अच्छा, और ये खुराक पिलाता कौन है? कोई भी पिला सकता है अम्मा जी? गांव की ANM बहन जी या आंगनवाड़ी बहन जी या सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्स ये खुराक पिलाते हैं, और वो भी मुफ्त में। ये जो बच्चों का टीकाकरण होता है ना, उसका एक हिस्सा ये भी होता है, और अगर प्रसव अस्पताल में हो तो बच्चे को पोलियो की पहली खुराक वही पिलाई जाती है, जो बड़ा जरूरी होता है। अब सब समझ में आ गया, तो रविवार को हमरे साथ चल के अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिला लियो। हाँ, पोलियो की खुराक कहाँ, कब और किसके द्वारा पिलाई जाती है? 1, ये सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त पिलाई जाती है। 2, और दिनों के अलावा पोलियो रविवार के दिन भी पिलाई जाती है। 3, ANM बहन जी और आंगनवाड़ी बहन जी जो टीकाकरण करती है उसका ही एक हिस्सा ये भी होता है। सही जवाब है, पोलियो की खुराक सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त पिलाई जाती है।
और दिनों के अलावा पोलियो की खुराक रविवार के दिन भी पिलाई जाती है। ANM बहन जी और आंगनवाड़ी बहन जी जो टीकाकरण करती हैं, पोलियो की खुराक भी उसी टीकाकरण का हिस्सा होता है। आदाब अम्मा जी। जीती रहे। कैसी हैं अम्मा जी? ठीक हो। ये क्या है? बेसन के लड्डू बनाए थे, सोचा आंगनवाड़ी जाकर सबको खिला आती हूँ। कोई खास बात अम्मा जी? अरे नहीं, सोचो तो हर दिन खास, ना सोचो तो हर दिन बेकार। अब गांव में पोलियो रविवार हुआ, सबने बच्चे को पोलियो की दवा पिलवाई, तो सोचा इसी खुशी में बेसन के लड्डू खाओ। वाह अम्मा जी, क्या बात कही है। ये एक लड्डू मैं शनिचरी के लिए रख लेती हूँ, उसे आज काम पर जाना पड़ा। अब खजूरी, ये लड्डू सबको खिलाओ। वैसे ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा अम्मा जी, इस बार भी पोलियो रविवार एकदम सफल रहा। और यहाँ जितनी औरतें बैठी हैं, इन सभी ने अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई है। क्यों भाई, मैं ठीक कह रही हूँ ना? और इतना ही नहीं अम्मा जी, इस बार सभी माँ बाप ने अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई है। अच्छा, यानी पूरा सुरक्षा चक्र। बहन जी, ये जो आपने कहा सुरक्षा चक्र, ये क्या है? देखो खजूरी, पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसके कई प्रकार होते हैं। जब हम अपने बच्चों को पहली बार पोलियो की खुराक देते हैं तो उनका शरीर इस बीमारी से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन पोलियो भी इतनी आसानी से हार नहीं मानता, वो भी लड़ता रहता है। इसीलिए जब हम बार बार 5 साल की उम्र तक अपने बच्चों को पोलियो की खुराक देते हैं तो एक सुरक्षा चक्र बन जाता है, जिसके बाद पोलियो बच्चों को छू नहीं सकता। अच्छा, अब जाके पूरा समझी कि जब भी पोलियो की खुराक गांव में पिलाई जाती है तो बच्चों को क्यों पिलानी जरूरी है। इससे बच्चों में पोलियो से लड़ने की ताकत आएगी और वो इससे बचे रहेंगे। लेकिन बहन जी। लेकिन क्या? पूछना। अब बहन जी, दवा तो दवा होती है, कोई खाने की चीज तो होती नहीं, बार बार पिलाने से कुछ बुरा असर भी तो हो सकता है ना। खजूरी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। बहुत से लोगों के मन में ये बात होती है और बिना ये जानकारी के वो कई तरह के अफवाहें फैलाते हैं, जैसे इससे बच्चे नपुंसक हो जाते हैं, उन्हें कमजोरी आ जाती है। लेकिन सच ये है कि पोलियो की खुराक एकदम सुरक्षित है, बार बार पिलाने के लिए इसका कोई बुरा असर नहीं होता है। पोलियो की खुराक के बारे में हमें क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए? 1, जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक जब भी गांव में पोलियो की खुराक पिलाई जाए, बच्चे को पिलानी चाहिए। 2, अगर बच्चे को बुखार, नजला, दस्त या कोई और हल्की बीमारी हो तो भी ये खुराक दी जा सकती है। 3, पोलियो के खुराक के कोई दुष्प्रभाव बच्चे पर नहीं होते। सही जवाब है, पोलियो के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक जब भी गांव में पोलियो की खुराक पिलाई जाए, बच्चे को पिलानी चाहिए। अगर बच्चे को बुखार, नजला, दस्त या कोई और हल्की बीमारी हो तो भी ये खुराक दी जा सकती है। और पोलियो की खुराक के कोई दुष्प्रभाव बच्चे पर नहीं होते। क्या बताएं आप, इतना समझाने के बावजूद ये लोग अपने बच्चों को पोलियो बूथ नहीं ले जा रहे हैं। माँ बाप से जब हमने पूछा तो कहने लगे टाइम नहीं है, बड़ा काम रहता है, ये पोलियो वाले बार बार आ जाते हैं, हम तो थक गए। अरे थके हुए लोगों, जरा इनसे सीखो। 40 सालों से दिन रात काम करती रही और दो दो बच्चे पाले हैं। जरा आप ही बताइए ना हेमा जी। देखिए, काम तो हम सब करते हैं, लेकिन बच्चों की जिंदगी से बढ़कर काम क्या हो सकता है। आप प्लीज अपने बच्चों को बूथ पर ले जाकर पोलियो की ड्रॉप्स पिला दीजिए। सिर्फ 4 या 5 बार नहीं, जितनी बार पोलियो वाले आए उतनी बार। अगर काम करना है तो ढंग का करो, पोलियो बूथ पर जाओ।